भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जय शाह ने बहुत सी बातें कही हैं। आज इस वीडियो में हम आपको उनके इंटरव्यू के टॉप 5 सवाल और जवाब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। जब जय शाह से पूछा गया कि वो इस T20 विश्व कप में किन 4 टीमों को सेमीफाइनल्स में देखते हैं, तो जय शाह ने जवाब में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेजबान टीम वेस्ट इंडीज का नाम लिया। वेस्ट इंडीज को लेकर शाह ने कहा कि ये T20 क्रिकेट की शानदार टीम है। इस साल होने वाले T20 विश्व कप में अधिकतर पूर्व खिलाड़ियों का यही मानना है कि ये चारों टीमें सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाते हुए नजर आ सकती हैं। भारतीय टीम T20 के रैंकिंग में पहले नंबर पर है, तो यही देखकर लोग उसको सेमीफाइनल्स में पहुंचने की उम्मीद करा रहे हैं। जय शाह ने आगे T20 टीम की करंट फॉर्मेट के बारे में कहा कि हमारे प्लेयर्स में फॉर्म और एक्सपीरियंस के बीच काफी अच्छा बैलेंस है। सिर्फ उनकी IPL परफॉर्मेंस पर ही जज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेयर्स की ओवरसीज एक्सपीरियंस भी काफी जरूरी है। प्लेयर्स को हम IPL के परफॉर्मेंस पर ही सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर सवाल आता है कि भारतीय क्रिकेट के अगले कदम के बारे में क्या सोचते हैं। जवाब में जय शाह बोलते हैं कि हमने 2023 में मेंस वर्ल्ड कप में वाकई बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन खिताब जीतने से चूक गए थे। आशा करते हैं कि इस साल T20 की ट्रॉफी जो है अपने घर लेकर आएंगे। जय शाह से पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट BCCI सेक्रेटरी रहकर क्या रहा है। इसके जवाब में जय शाह ने बोला कि 2020 में UAE में IPL करवाया गया था, वो काफी चुनौतीपूर्ण था। कोरोना के चलते जहां बाकी देशों के स्पोर्ट्स के इवेंट्स कैंसिल हो रहे थे, लेकिन जय शाह ने सबको दिखा दिया है कि BCCI क्या अचीव कर सकते हैं, और साथ ही साथ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पर भी काफी काम किया गया। इस IPL इंपैक्ट प्लेयर रूल को लेकर काफी आलोचना हुई। इस बारे में IPL में लागू इंपैक्ट प्लेयर नियम को लेकर जब जय शाह से सवाल पूछा गया, तो शाह ने कहा कि ये टेस्ट केस है, हम खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजिंग और सभी संबंधित लोगों से इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें मैच अधिक दिलचस्प हो रहा है, वही इसमें अधिक भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। अगर विचार विमर्श के बाद इस पर असंतोष सामने आता है तो हम इसे बदल देंगे। IPL में बल्लेबाजों की मददगार पिच को लेकर उन्होंने क्या कहा, यहां तक कि सुनील गावस्कर ने भी कहा कि ये पिच एकदम एकतरफा है। जवाब में जय शाह बोलते हैं कि इसमें पूरी तरह सहमत नहीं हूं। अगर आप LSG और SRH के बीच का मैच देखेंगे, तो इसमें LSG ने 20 ओवर में 165 पर 4 का स्कोर बनाया था, जबकि इसी पिच पर SRH ने सिर्फ 9 ओवर में बिना विकेट खोए इस टारगेट को हासिल कर लिया था। पिचें काफी अच्छी हैं, जिन्हें BCCI के सेंट्रल क्यूरेटर की देखरेख में पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया है। तो ये कुछ 5 सवाल जवाब थे जो जय शाह के इंटरव्यू में मुझे लगा आपको जानना जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।